विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 2 समीकरण। कल अपन ने समीकरण के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। समीकरण की परिभाषा, समीकरण का व्यवहारिक ज्ञान और प्रश्नावली 2.1 के अपन ने 4 प्रश्नों का अभ्यास किया। अब अपन अगले प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आपको पिछले अध्याय में अपन ने दो विधि बताई थी। एक तो एक पद से अक्षर पद को समाप्त करना और दूसरे में अपन ने सिखाया था पक्षांतरण विधि। फिर आज अपन अगले सवालों को उन्हीं दोनों प्रकार से अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 अपन को दिया है 6x = 12। अब यहाँ हमारे पास में अक्षर पद के साथ में अक्षर पद 6 जो इसके साथ लगा हुआ है, यदि दोनों पक्षों में 6 का भाग देते हैं अपन, तो यहाँ से अपना अक्षर पद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को सबसे पहले दोनों पक्षों में छह का भाग देने पर, अपन भाग देंगे दोनों ही पक्षों में। आपको बताया था समीकरण एक ऐसी चीज है इसमें दोनों पक्षों में समान जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। तो समीकरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आया 6x = 12। ये है अपन दोनों ही पक्षों में 6 का भाग दे दिया, तो यहाँ तो 6 से 6 समाप्त हो गए, तो ये तो आ गया x, यहाँ तो बच गए x, और 12 में 6 का भाग देंगे तो 2। ये हमारा मान प्राप्त हुआ। समीकरण को दूसरी विधि अपन ने ली थी पक्षांतर विधि। दूसरी विधि में आती है अपने सेकंड से 6x = 12। तो यहाँ अब ये प्रश्न x का क्योंकि पक्षांतर तो होगा नहीं, तो यहाँ सीधा ही अपन को हल करने के लिए x = जो निकालेंगे इस 12 में इस 6 का तुरंत ही योगी चर पद के साथ में अचर पद उसका भाग दे दिया जाता है, तो x = 2। तो आपने देखा दोनों ही विधियों से मान तो एक ही प्राप्त होगा, ये तो विधि है अपनी अलग अलग। प्रश्न नंबर 6 में है हमारा उपज t/5 = 10। तो नीचे 5 है, अब इसको समाप्त करने के लिए 5 से गुणा करते हैं, तो ये 5 से 5 समाप्त हो जाएगा, चार पद बच जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है t/5 × 5 = 10 × 5। दोनों ही पक्षों में समान चीज अच्छे, तो यहां करेंगे तो हमारे पास आता है 5t/5 = 50। 5 से हमारा कट जाता है, t = आ गया हमारा 50। तो हमको इस चर पद का मान प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं अपन समीकरण को हल करना। दूसरी विधि है हमारे पास जैसे t/5 = 10/1। हम यहाँ दोनों ही तरफ भिन्न बढ़ गए, जब दोनों तरफ भिन्न बढ़ जाती है तो त्रिय गुणा करने त्रिय गुणा करते हैं गुणा। ये ध्यान रखना एक पद से एक पद ही त्रिय गुणा हो जाते हैं, एक से अधिक पद हो तो पहले लय से लेकर के उनको एक पद बनाया जाता है, उसके बाद में त्रिय गुणा होंगे। एक को t से गुणा करेंगे तो ये आ गया t = 10, को 5 से गुणा करेंगे तो 10 × 5 = 50। तो हमारा दूसरा मान प्राप्त होता है। दोनों ही विधियों से आपको समान मान प्राप्त हुआ। 7वां प्रश्न है 2x/3 = 18। अब हमको ये 2/3 को समाप्त करना है, तो इसलिए इसको 3/200 से अगर दोनों पक्षों को ये गुणा करते तो हमको ये अचर पद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पक्षों को 3/2 से गुणा करने पर हम दोनों ही पक्षों को करेंगे 2x/3 × 3/2 = 18 × 3/2। हम दोनों ही पक्षों में समान रूप से जोड़ो चाहे गुणा करो चाहे घटाओ चाहे भाग दो, पर दोनों ही पक्षों में समान नहीं चाहिए। इनको अपन गुणा करेंगे तो ये होगा 6x/6 = 18 × 54/2।
छः से हमारा यहाँ छः, तो इधर तो बच गया चार पाँच एक्स, चौवन में भाग देंगे तो मान प्राप्त हो हमारा सत्ताईस। इस प्रकार आपने ये देखा कि किसी समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास अनेकों विधियाँ हैं, उनको किस प्रकार हल करने के लिए वो ध्यान रखना होता है। जब भिन्न में मान हो तो दोनों तरफ एक एक पद बनाते हुए भिन्न का तो तेरह गुना कर लेंगे, प्लस माइनस का तीन चलो अचर के बारे में तो पक्षांतरण कर लेंगे, यानी चर को अचर को समाप्त करके चर को रखना और चर का मान प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि यह बनी कि अपने पास है दो एक्स बटे तीन बरबर अठारह बटे, अब दोनों तरफ भिन्न बटे हमारे यहाँ, तो हमारी सेकेंड विधि में भिन्न बन गई तो हमको तिरिय गुणा करेंगे, एक को दो एक्स से करेंगे तो दो एक्स बरबर अठारह को तीन से गुणा करेंगे तो अठारह तीन चौवन। तो जब हमको एक्स का मान निकालना हो तो चौवन उसमें से उसको डाल देंगे तो जो चार पद के पास में जो मान होता है उसका भाग दे देंगे एक्स बराबर सत्ताईस। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमको मेन जो विधि है उन विधियों का ध्यान रखना या पक्षांतर विधि देखिए गुणा करना ये काम कदम हो सकती है। ये विधि है ये सामान्य भारत का समझने के लिए अपन जो जो बड़ी कक्षा में करते जाएंगे तो इन विधियों का सहारा लेते हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे हर प्रश्न का हर प्रश्नावली में ये विधियाँ काम आएंगी, पक्षांतर विधि त्रिय गुणा करना। अगला प्रश्न है हमारे पास एक दशमलव छः बराबर वाई बटे एक दशमलव पाँच, तो इधर को तो अचर है, इधर को अचर में वाई है और अचर में एक दशमलव पाँच है, नीचे एक दशमलव पाँच है तो गुणा कर दें एक दशमलव पाँच से, तो ये गया। तो यहाँ होता है हमारा दोनों पक्षों पक्षों को एक दशमलव पाँच से गुणा करने पर हम दोनों ही पक्षों को कहेंगे एक दशमलव छः गुणा एक दशमलव पाँच बराबर वाई बटे एक दशमलव पाँच गुणा एक दशमलव, हमें दोनों ही पक्षों में ले लिया एक दशमलव पाँच, इनको गुणा करेंगे तो पंद्रह से की नब्बे की जीरो आंसर लागे नौ, पंद्रह एवं पंद्रह नौ सॉरी दो अंकों में दशमलव हमको लगा एक दशमलव पर ठीक करनी है, यह आ गया एक दशमलव पाँच वाई बटे एक दशमलव, इससे ये कट गया हमारा y बराबर कट गया दो दशमलव चार जीरो इंटू क्या दो दशमलव चार, ये तो विधि नंबर हमारी एक हुई कि चार में से अचर को हटाना। दूसरी विधि अपनी कोई सामान्य है जो अपनी आती है सीधी सीधी एक दशमलव छः बराबर वाई बटे एक दशमलव, तो इसके लिए एक लगा देने के लिए भिन्न बन गए, भिन्न बन गए अब हमको तेरह गुणा करेंगे यहाँ सीधी की बात दो तरफ भिन्न बन जाती है तो तेरह गुणा वाई को एक से करेंगे तो वाई बराबर एक दशमलव पाँच के दशमलव छः से करेंगे तो अभी अपने ऊपर गुणा लिया था देखा था तो दशमलव चार। तो ये दो दो विधियाँ हैं यहाँ पर हर प्रश्न को हल करने के लिए मेन समीकरण की भूमिका होती है। एक तरफ को जो भी अचर पद है उसको समाप्त करना तो खाली अपन को चर बन जाना चाहिए, शेष बचे हुए मान दूसरे पक्ष में भी बराबर रहते हैं। मेन बात समीकरण में ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास चार क्रिया है, योग क्रिया बाकी क्रिया गुणा क्रिया और भाग क्रिया, समीकरण के अंदर दोनों ही पक्षों में चारों क्रियाओं को करने की कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण जो कि त्यों रहती है तो एक तो उस विधि से लेना। दूसरी विधि अपनी सामान्य है अब पक्षांतरण करना या भाग देना या गुणा करना तेरह गुणा करना, इन विधियों से लेते हुए अपन प्रश्नों को अभ्यास करेंगे तो हमारे सभी प्रश्न ठीक समझ में आएंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में अपने 8 प्रश्नों का अभ्यास किया, इसमें 10-12 प्रश्न हैं, शेष प्रश्नों को आप इसी ढंग से अभ्यास करें, पहले तो 1 से 8 तक का देखें फिर 9, 10, 11 शेष प्रश्नों को भी अपन हल करवाएंगे, लेकिन आप पहले इनको करके देखिए और दोनों ही विधियों से करिए जिससे कि आपको धीरे धीरे ये समझ में आए, क्योंकि हमारी गणित का मुख्य अंग समीकरण और दशमलव पद्धति का दो सवाल मुख्य होते हैं। आगे गणित की प्रत्येक प्रश्नावली हल करने के लिए हमें इन समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, हर प्रश्नावली में इन समीकरणों के नियम लगेंगे, हर प्रश्नावली में समीकरण बनाते हुए ही प्रश्न हल होंगे, इसलिए गणित को
ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें मुख्य भूमिका समीकरण की होगी। तो समीकरण को ढंग से समझ करके अभी जब हमारे पास में प्लस माइनस आ रहा है तो पक्षांतरण करना, भिन्न बन गई तो त्रिय गुणा करना, अचर चर पद के पास में अचर पद से भी गुणा हो रहा हो तो उस अचर पद का भाग देना, ये दो तीन चीज जब दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगी तो शेष प्रश्नों को हल करने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं रहेगी और आगे की प्रश्नावली में परीक्षा फाउंडेशन मजबूत होगा। इस प्रकार आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद।